हेलो हाय फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल MR कुमार टेक्नीशियन में आपका फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हैं ये ओस्कर कंपनी का अल्ट्रा स्लिम CRT टीवी है जो मेरे पास रिपेयर के लिए आया है। सो यहां पर इसमें इस फॉल्ट को हम रेनबो फॉल्ट बोल सकते हैं। ये जो इंद्रधनुष की तरह इसका पिक्चर आने लगा है इसको रेनबो फॉल्ट बोलते हैं। तो इस रेनबो फॉल्ट को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो हमारे वीडियो में आप देखिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो फॉल्ट है ये किट में नहीं होता है फॉल्ट, यहाँ पर ये वर्टिकल फॉल्ट भी होता है वैसे IC की वजह से, वर्टिकल IC से, लेकिन बट यहाँ पर ये जो किट है इसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं है। और ये जो फॉल्ट है ये यहाँ पर ये CRT बेस में है, यहाँ पर ये जो CRT बेस है ये ख़राब हो जाता है, इसकी वजह से आता है। और ये बारिश और मॉइस्चराइज और सीम नमी की वजह से ज़्यादातर ये जो फॉल्ट है ये क्रिएट होता है। तो यहाँ पर मैं इस CRT बेस को बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पीला पीला हो चुका है CRT बेस। और यहाँ पर अंदर से आप देखेंगे यहाँ पर स्पिन पे इस फोटो में, तो यहाँ पर ये ग्रीन ग्रीन जो पानी की वजह से या सीम की वजह से, मॉइस्चराइज की वजह से ये कार्बन आ चुका है। तो यहाँ पर जो EST का फोकस पिन होता है ये ठीक तरीके से इसको क्या फोकस नहीं कर पाता, इसकी वजह से हमें ये फॉल्ट क्रिएट होता है। तो यहाँ पर मैं इसका ग्राउंड पिन निकाल देता हूँ और हमें यहाँ पर ये जो CRT बेस है ये रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास सेम बड़ा जो CRT बेस है ये एकदम नया फ्रेश पड़ा है, तो हमें यहाँ पर ये नया CRT बेस जो है यहाँ पर रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर दो तरह के CRT बेस आते हैं, यहाँ पे एक छोटा होता है और एक यहाँ पे बड़ा होता है। तो ये जो CRT बेस है ये बड़ा CRT बेस है, ये आप देख सकते हैं दोनों का जो साइज है एक्चुअल है और एकदम प्रॉपर, दोनों एकदम बराबर साइज का CRT बेस है। तो यहाँ पर ये पीछे की साइड से इसको डिसोल्ड करके हमें निकालना होगा। तो मैं यहाँ पर इस CRT के वापस बेस को जो है यहाँ पे लॉक कर देता हूँ ताकि हमें यहाँ पर डिसोल्ड करने में बहुत आसानी रहे। यहाँ पर ये जो डिसोल्ड वायर है यहाँ पे फ्लक्स लगा के और बिल्कुल तरीके से आपको निकालना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रिंट जो है डैमेज नहीं होना चाहिए। एकदम रिलैक्स तसल्ली से निकाले आप 1x1 पिन को डिसोल्ड करके। सो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी लाइक और शेयर करें ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे। तो यहाँ पर मैंने इन पिनों को सारे को यहाँ पे 1x1 जो है डिसोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको डिसोल्ड कर लेना है। यहाँ पर शायद एक दो पिन रह गया था तो इनको मैं ठीक से डिसोल्ड कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो ये CRT बेस है इसका PCB को हम यहाँ पर डिसोल्ड करके बाहर की ओर खींच लेंगे तो यहाँ पर ये बिल्कुल आसानी से बाहर निकल जाएगा। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर क्लियरली डिसोल्ड हो चुका है, ये PCB बोर्ड जो है बाहर आ चुका है CRT बेस का। तो यहाँ पर मैं इस बेस को निकाल कर साइड कर देता हूँ। और यहाँ पर जो है इसका फोकस पिन का वायर अभी तक इसमें सोल्ड है, इसको कैप को हटाकर यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ क्योंकि ये बेस हमारे कोई काम का नहीं है। तो यहाँ पर ये जो न्यू CRT बेस जो आप मेरे हाथ में देख सकते हैं इनका जो लॉक है कैप का, इनको लॉक को साइड करके आपको ओपन कर लेना है। और यहाँ पर जो है एक अंदर से क्लिप सा बना हुआ है यहाँ पर, ये इसमें आपको EST का जो वायर आ रहा है फोकस पिन उसको यहाँ पर सोल्ड कर लेना है इस तरीके से, और इस कैप को जो है वापस आपको एज इट इज़ बंद कर देना है। तो यहाँ पर इन सारे पिनों को ट्वीजर या पेचकस की मदद से आप PC में एकदम परफेक्टली माउंट कर लें। और यहाँ पर मैं इन दो पिनों को लॉक कर देता हूँ ताकि अपना जो CRT बेस है इधर उधर जब हम सॉल्व करेंगे तो हिले डुले नहीं। तो यहाँ पर इस CRT बेस को फ्लक्स वगैरह लगाकर और क्लियरली यहाँ पे वापस मैं माउंट कर लेता हूँ, यानी कि रिसोल्ड कर लेता हूँ परफेक्टली। तो आप भी अपने CRT बेस को इस तरीके से रिसोल्ड कर लें। तो चलिए मैं इनको 1x1 रिसोल्ड कर लेता हूँ।
ये सारी जो पिनें हैं रिसोल्ड हो चुकी है, और यहाँ पर मैं पेट्रोल या थिनर से हमें इसको थोड़ा साफ़ कर लेना है, क्योंकि ये बारिश का मौसम जो चल रहा है तो इसमें वही प्रॉब्लम जो मॉइस्चराइज वगैरह से एकदम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो चलिए हम इसे ऑन करके चेक करते हैं। यहाँ पर सारा रिसोल्ड ओके हो चुका है। तो यहाँ पर मैं पावर ऑन करता हूँ और अब देखते हैं अपना टीवी का जो रेनबो फॉल्ट था वो क्लियर हुआ कि नहीं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑस्कर का जो लोगो है लिखा हुआ आ चुका है, और पिक्चर जो डिस्प्ले है एकदम ब्लू आ चुका है, यानी कि अपना जो रेनबो फॉल्ट था एकदम क्लियर हो चुका है। तो सो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो पसंद आया और आपके यूज़फुल रहा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल वाला आइकन प्रेस कर ले, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।